सोनी टीवी का सबसे चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो अपने खत्म होने की कगार पर है और जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। शो के सुर्खियां मिल रही हैं इसमें आ रहे कंटेस्टेंट की वजह से। ऐसे ही राजस्थान के झुंझुनू से कंटेस्टेंट हॉट सीट पर पहुंची, जिनका नाम था प्रेरणा। प्रेरणा एक बिजनेस वूमन है और इनके नाम की तरह इनकी कहानी भी प्रेरणादायी है। अमिताभ ने भी प्रेरणा से इम्प्रेस होकर उनकी तारीफ की है। प्रेरणा ने शो के दौरान बताया कि वो कपड़ों का बिजनेस करती हैं और अपने बिजनेस से वो महिलाओं की मदद करना चाहती हैं। वो ऐसी महिलाओं को रोजगार देना चाहती हैं जो असहाय हैं। प्रेरणा ने बताया कि उनके स्टाफ में दो महिलाएं काम करती हैं जो अपनी निजी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना कर रही हैं और एक महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है जिसके तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और इसका खर्च उठाने में प्रेरणा उसकी मदद कर रही हैं। प्रेरणा ने कहा कि वो अपने स्टाफ की महिलाओं को पढ़ने में मदद करना चाहती हैं और वो इसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। केबीसी के जीते हुए पैसों से प्रेरणा महिलाओं को रोजगार के मौके देना चाहती हैं। जब अमिताभ ने प्रेरणा से ये सब सुना तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने प्रेरणा की तारीफ की। प्रेरणा शो में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाई और अपनी चारों लाइफलाइन का उपयोग कर प्रेरणा 3,20,000 रुपये जीत कर बॉलीवुड के सवाल का गलत जवाब देकर शो से बाहर हो गई, लेकिन अमिताभ और ऑडियंस का दिल अपने साथ जीत कर ले गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।